किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य, ऐसा चरित्र। कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। गोपाल, ओ गोपाल, घर पे हो कि नहीं? कौन कौन बुला रहा है? ओ हरी बेटा, आओ 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 बेटा घर में। हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नानी माँ, गोपाल कहाँ है? कहाँ है वो? क्या बताऊँ बेटा, एक सुबह के घर से बाहर निकला है, अभी तक घर वापिस नहीं आया। दिन पे दिन जैसे लड़का ये आवारा बनता जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, आवारा बन गया है? मैंने तो सुना है वो एक अच्छा भविष्यद वक्ता बन गया है। हाँ बेटा, ठीक सुने हो। उस भविष्यवाणी से जो दो चार पैसे आते हैं, उसी से हम दोनों का गुजर बसर हो जाता है। कल ही तो बोल रहा था कि तुम्हारा पैसे भी इकट्ठा कर लिया है, अगले महीने तुम्हारा कर्ज चुका देगा। ठीक है बेटा? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नानी माँ। आप एक काम कीजिए, गोपाल की जल्दी से शादी करवा दीजिए, ताकि उसकी आवारापंती कम हो जाए। ये तो लाख रुपए की बात बोले हो बेटा, कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी। तो बताओ, तुम्हारे नजर में ऐसी कोई लड़की है? नहीं, ऐसी लड़की नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, नाम शादीलाल घरजोड़े। ऐसा करता हूँ, मैं उन्हें यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है बहुत अच्छा। तो कब भेज रहे हो उनको, थोड़ा पहले बता देना। ठीक है, कल बाद परसों शाम को मैं उन्हें यहाँ भेज दूंगा। अब गोपाल को घर में रहने के लिए बोल दे। ठीक है बेटा, बोल दूंगी। तो फिर चलता हूँ नानी माँ। हाँ हाँ, फिर आना बेटा, फिर आना। क्या रे गोपाल, सुन कहाँ जा रहा है बेटा? माधव जी के घर जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने बेटे के कुंडली विचार के लिए बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, तुझे कहीं नहीं जाना होगा। कुछ देर बाद अगुआ आने वाले हैं तेरी शादी की बात करने, वहाँ तेरा रहना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? क्या जरूरत है, ऐसा क्या जरूरत है बताओ मुझे। शादी तेरी होनी है, तू नहीं रहेगा तो वहाँ बात विचार कौन करेगा, बता बेटा। शादी करेगा? आप जानते हैं शादी करना मतलब मुसीबत लेना। आज गहना दो, कल घूमने ले जाओ, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। ये क्या रे, जिंदगी भर कुंवारा रहेगा क्या तू? कुंवारा क्यों रहूंगा, पहले राजा कृष्णचंद्र के पास नौकरी करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। बेटे, ये शादीलाल घरजोड़े के पास ऐसी लड़की है जिसके माथे पे राजयोग चमक रहा है। जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा वो भी राजयोग का हकदार होगा। क्या बोल रहे हो अगुआ महाराज? सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की के पिता बड़े पैसे वाले हैं और उनकी एक लौती लड़की है, और जो लड़का उस लड़की से शादी करेगा उसका तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, समझ गए बेटे? ऐसा क्या, मेरे नसीब में जमीन जायदाद हीरे मोती सोना चांदी सभी है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवाइए, मैं तैयार हूँ। ठहरो बेटे, सिर्फ तुम राजी होने से नहीं होगा ना, लड़की वाले को भी तो राजी होना है, और साथ में कुंडली भी मिलानी है ना। अरे बाबा, ये तो बहुत समस्या है।
नहीं, समस्या की कोई बात नहीं है। यदि यहाँ से कुछ मिलता है तो उधर से मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मैं हूँ ना बेटा। अच्छा ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। थोड़े दक्षिणा और एक जोड़े कपड़े बस। अच्छा ठीक है उसके साथ आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। अच्छा ठीक है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपकी बीबी को एक सोने के कान में का एक बनारसी साड़ी देंगे। ठीक ही है मगर। अच्छा बताओ लड़की कैसी है। मगर कुछ नहीं, थोड़ा नाटी है और रंग से थोड़ा काली है। लड़की नाटी काली गोरी जैसी भी हो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, लड़की अंधी बहरी और लूली ना हो। वो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तो फिर तुम्हारे साथ उस लड़की की शादी होकर ही रहेगी। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम माँ जी, आता हूँ। देखिए माँ जी, ये शादीलाल घर जोड़े के बात में दम है कि नहीं। साक्षात लक्ष्मी नारायण लग रहे हैं। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो। तो फिर माँ जी मेरी दक्षिणा दे दीजिए, मैं चलता हूँ। बहू गोपाल बहू घर पे आओ। गोपाल, ए गोपाल, और कितना देर लगाएगा? आ रहा हूँ। थोड़ा दही शक्कर खा लीजिए। क्या हुआ गोपाल, हुआ? आ रहा हूँ भाई। उफ, कितना समय लगाते हो। लो अब चलो, शाम ढलने को है गोपाल। चल भाई चल। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मी। आ रहा हूँ भाभी जी। जय माता दी। उफ, कब के सुबह निकले हैं, भूख लग गए है गोपाल। सच में मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्या मैं करूं? मैं भी सोच रहा हूं। अगर कोई खाने की दुकान मिल जाता तो कुछ खा लेते। क्या खाओगे, घर जैसा खाना दुकान में थोड़ी ही मिलेगा। भाभी जी के हाथों की बनाई हुई खाना थोड़ा ही ना दुकान में मिलेगा। हाँ क्या कहता है? और मैं उसी घर का मुफ्त में खाने वाला ग्राहक हूँ। और तुम भी तो मेरी तरह ही हो। हाँ ये बात तो सही है, जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब तक तुम्हारी भाभी खाना परोस के बैठी रहती है। अरे वो देखो भाई। अरे हाँ गोपाल, मिठाई की दुकान। गोपाल मिठाई खिलाओगे क्या? खिलाऊंगा, एकदम खिलाऊंगा, वो भी पूरे मुफ्त में। तो फिर वही मक्खी वाला खेल होगा क्या रे गोपाल? पहले दुकान के पास तो चलो। फिर चलो। बहुत बड़ा दुकान। सच में बड़ा दुकान है। हाँ देखो तो क्या क्या मिठाई है। हाँ भाई देखता हूँ। काला कंद है, गुलाब जामुन है, रसमलाई। अरे इसमें क्या है, गुलाब जामुन? हाँ तुम लोग कौन हो? मैं पथराई, लेकिन तुम कौन हो? हम इस दुकान के मालिक। वो अभी कहाँ है? खाना खा के सो रहा है। नहीं, वो अभी सो रहे, उन्हें सोने दीजिए, उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। और इधर हम लोगों के पास भी समय नहीं है, तो अपना काम शुरू करें भाई। चलो शुरू किया जाए। तुम लोग ऐसे उठा के क्यों खा रहे हो? अरे फिर से खा रहे हो? रुको, मैं पिताजी को बुलाता हूँ। बुलाते रहे पिताजी। आओ पिताजी। कोई मिठाई खा रहा है? कौन खा रहा है बेटा? पिताजी को बोलो मक्की खा रहा है, वो समझ जाएंगे। अरे कौन मिठाई खा रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मधुमक्खियों ने। मक्खी, अरे खाने दो। क्या सुनाई दिया? पिताजी देखिए ना, वो बर्फी खा रहे हैं। मक्खी वैसे ही मिठाई खाती है, तुम पंखे डुला कर उसे भगा दो। दोनों मक्खी ने बहुत सारे खा गया है। मिठाई खा लिए। देखो अभी रसगुल्ले खा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो, पंखे डुलाते रहो, मक्खी भाग जाएगी। सचमुच बहुत गर्मी लग रही है,
तुम पंखा ढुलाते हो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? तुम कहोगे और मैं पंखा चलाऊंगा? तुमने पेरा उठा के क्यों मुंह में डाला? गुलाब जामुन खाया, टिक गया, बिल्कुल टिक। पिताजी देखिए ना, पिताजी देखिए ना। पंखे से भगा दो। पूरा पेट भर गया। हाँ भाई, पूरा पेट भर गया है। अब चलो चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो। अरे मिठाई खा के पैसा बिना दिए चले जा रहे हो, पैसा दे। सुनो सुनो, ये पागल लड़के की बात, हम लोग मिठाई के पैसे कहाँ से देंगे? चलो यहाँ से, हमें बहुत दूर जाना है। यहाँ पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी, मक्खी ने मिठाई खा के बिना पैसे दिए जा रहा है। और बुद्धू, मक्खी के पास पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम्हें पैसे देंगे? दूर, वो सब तो ऐसे ही खाते हैं। रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी सारे खा गए पिताजी। पिताजी। दूर, ये लड़का भी ना मोटा बुद्धि का, जब देखो तब चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर देता है। अरे 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 अरे, यहाँ पर रसमलाई, बर्फी, लड्डू, संदेश थे, ये सब खाली कैसे हो गए रे? एक आदमी ने बोला। अरे तू तो मक्खी की बात कर रहा था, ग्राहक की तो बात नहीं की? उन लोगों के नाम मक्खी है और ये बोलने से तुम पहचान जाओगे? बोला है उन लोगों के नाम मक्खी है और ये बोलने से तुम पहचान जाओगे? अरे भगवान, ये किसने मेरा सत्यानाश कर दिया? जिसने मेरे दुकान के सारे मिठाई खाए हैं उसका उल्टी होगा, उसका सत्यानाश होगा। जैसे मुझे बर्बाद किया है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ओ देखो महाराज कृष्णचंद्र के राजमहल, अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम पूरा करके आऊंगा। मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रहा है। ठीक है, तब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मतलब महाराज से मिलने के लिए अनुमति चाहिए, वो अनुमति तुम्हारे पास है क्या? वो तो नहीं है। तो अनुमति नहीं है? ये क्या, ऐसा क्यों? वो तो राजा है, हमारे पिता समान, हम लोग प्रजा है उनके संतान की तरह। तब तो हम लोग कभी भी भेंट कर सकते हैं, अपने सुख दुख की बातें उनसे बांट सकते। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। दया करो भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, एक बार राजमहल में जाने की अनुमति दो, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है? हाँ सचमुच बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दे सकते? कितने पैसे देने होंगे? देखने से तो लगता है बहुत गरीब हो, कितना और दोगी? दो जो तुम्हारे पास है। पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे राजा के पास से कुछ इनाम लेना है, वहीं से मैं तुम्हें आधा इनाम दे दूंगा, समझे? ये बात याद रखना। मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खा के कहता हूँ, अगर इनाम के तौर पर अगर पैसे मिले तो वहाँ से मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा। अगर और कुछ मिलता है तो उससे भी आधे हिस्से दे दूंगा। अब तो ठीक है? ठीक है, जाओ, अब तुम जाओ। सुनो, कहाँ जा रहे हो? राजसभा में महाराज कृष्णचंद्र से मिलने। अनुमति है क्या? नहीं है। तो फिर महाराज से मिलने की अनुमति भी नहीं है। राजा से मिलना हमारा बहुत जरूरी है, एक इनाम लेना है, समझे सिपाही भाई? कोई रास्ता है क्या जो उनसे मिल सको? आप महाराज से मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ देने होंगे। अरे बाप रे, यहाँ पर भी रिश्वत? ठीक है, पहले वाले सिपाही को बोले हैं अगर इनाम में पैसे मिलते हैं तो आधे हिस्से मिलेंगे, और अगर कोई अन्य इनाम मिलते हैं तो उससे भी आधे हिस्से मिलेंगे। ठीक है, तो फिर वही देना, अब तुम्हें जाने का अनुमति है, जाओ। चोर चोर मौसे रे भाई, ऐसा ही नाम दूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है। क्या प्रश्न महाराज? विश्व में सर्वश्रेष्ठ दांत और फूल कौन सा है?
महाराज श्रेष्ठ फूल कमल के और श्रेष्ठ दांत है हाथी के। गलत गलत बिल्कुल गलत महाराज, इन लोगों का उत्तर पूरा गलत है। कौन हो तुम? मैं गोपाल चंद्र, पेशा हजाम, गांव कृष्णनगर। ठीक है, तो फिर उद्देश्य पूर्ण अपना उत्तर बता दो। पर याद रखना, अगर तुम्हारी उत्तर उद्देश्य पूर्ण ना हो तो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, समझ गए? जो आपकी इच्छा होगी वही होगा महाराज। सुनिए महाराज, श्रेष्ठ फूल है सीमर का फूल, कारण इससे मनुष्य को पहनने के वस्त्र मिलते हैं। उस वस्त्र से मनुष्य अपने तन को ढकते हैं और हर तरह के मौसम से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। और श्रेष्ठ दांत? और श्रेष्ठ दांत है हलसी, जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे खेतों में फसल उगते हैं। मंत्रीगण, अब सभी इनके उत्तर के साथ सहमत हैं? हाँ हाँ महाराज, हम लोग सभी सहमत हैं। हम भी तुम्हारे उत्तर से सहमत हैं। बोलो, क्या इनाम चाहते हो तुम? जी महाराज, मुझे 100 कौड़े चाहिए। ये क्या इनाम मांग रहे हो तुम? ये तो इनाम नहीं, सजा है। परंतु महाराज, जो मैं मांगा हूँ वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भीम सिंह, जो आज्ञा महाराज। इन्हें 100 कोड़े मारा जाए। जी महाराज। रुक जा भाई। फिर क्या हुआ, इनाम लेने से डर रहे हो? जी नहीं महाराज, असल में मैं जब महल के अंदर आ रहा था तभी 2 सिपाहियों से वचन दिया था कि मुझे जो भी इनाम मिलेंगे उसको 2 हिस्से में बराबर बांट दिए जाएंगे। वे लोग कौन है? इस राजमहल के एक है मुख्य द्वार के सिपाही और दूसरे हैं राज्यसभा के सिपाही। क्या वे लोग इनाम मांगे थे या तुम स्वयं देना चाहते हो? क्या बोलते हैं महाराज, अपना इनाम कोई किसी को दे सकता है भला? विश्वास अगर नहीं है तो आप स्वयं उन दोनों से पूछ सकते हैं। भीम सिंह, उन दोनों को अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। तुम और क्या इनाम चाहते हो गोपाल? महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया करके यदि आपके राजमहल में कोई काम मिल जाए तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। महामंत्री, आपके ख्याल से इन्हें कौन सा काम दिया जाए, बताइए। महाराज, मुझे लगता है आप इन्हें मनोरंजन कर्ता के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, वही होगा। आज से तुम मेरे मनोरंजन कर्ता होकर मेरे पास बैठोगे। बैठो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, अपराधी आपके सामने हाजिर है। सिपाहियों, तुम लोग इनसे रिश्वत मांगे थे? हाँ हाँ, मतलब नहीं। महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए महाराज। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, छोड़ दीजिए महाराज, अब क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। ठीक है, तुम दोनों को मैंने क्षमा किया, परंतु उनके प्राप्त इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। भीम सिंह, मैंने तो तुम लोगों को क्षमा कर ही चुका हूँ, परंतु उनके 100 कोड़े के इनाम तुम लोगों को लेने ही पड़ेंगे। ऐसे इनाम नहीं चाहिए महाराज। ऐसी बात नहीं बोलने चाहिए, यदि कोई कुछ मांगते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो देने वाले को नरक में कष्ट दिया जाता है। भीम सिंह, अभी तक तुम खड़े हो? महाराज, ये इनाम इन दोनों को सारी जिंदगी याद रहेगी। सही बोले हो गोपाल।